का रुझान आपके सामने आएगा। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड और सिर्फ 5 सेकंड का वक्त रह गया है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 1 सेकंड और पूरी तरह से शून्य। बड़ी खबर, सभी 743 सीटों पर मतगणना की शुरुआत हो गई है देश के अंदर। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर और सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वो लक्षद्वीप की होगी, क्योंकि वहां पर 48,000 की वोटिंग हुई है। 48,000 की संख्या है वोटर्स है और सबसे अंतिम काउंटिंग जो है वो गाजियाबाद की होगी यूपी के, क्योंकि सबसे ज्यादा राउंड की काउंटिंग वहां पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है देश में, लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। तो इंतजार हम सभी का समाप्त हुआ, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 542 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है, उसके बाद 8:30 बजे के आसपास से ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी तस्वीर जो इस वक्त की निकल कर आई है, थोड़ी देर में आपको पहला रुझान भी देखने को मिलेगा। 542 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। जैसा आस्था ने बताया कि सबसे पहले लक्षद्वीप के नतीजे आएंगे, क्योंकि वहां पर वोटों की जो वोटिंग परसेंटेज रहा है बहुत कम रहा है, 40-45 हज़ार के आसपास वोट वहां पर पड़े, तो जाहिर सी बात है कि पहला रुझान वहीं से आएगा। ये देखिए आप, मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना स्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तमाम तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी। पोस्टल बैलेट के बाद ये जो आप ईवीएम देख पा रहे हैं यहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर आपके सामने है और किस तरह देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, अंतिम रूप दे दिया गया है और जब ईवीएम से काउंटिंग का नंबर आएगा तो ये तस्वीर और बारीकी से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, कर्नाटक की तुमकुर सीट का रुझान सामने आया है। पोस्टल बैलेट की गिनती में यहां से बीजेपी आगे है। कर्नाटक की तुमकुर सीट का रुझान 93 वोट से बीजेपी आगे है। न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आज दिन भर आप देखेंगे और न्यूज 18 पर पहला रुझान भी जान लीजिए। पहला रुझान कर्नाटक की तुमकुर सीट बीजेपी आगे और टैली भी तेजी से बदलने लगी। आप ऊपर देखिए एनडीए के हिस्से में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रुझान है बहुत शुरुआती रुझान है और इंडिया ब्लॉक के हिस्से में 2 सीटें। न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। जो पहला रुझान आया है वो हमने आपके सामने रखा। सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला रुझान कर्नाटक से सामने आया है, तुमकुर सीट से पहला रुझान, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यहां पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती चल रही है उसमें बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, रिजल्ट हब में इस वक्त मौजूद है और जो पहला रुझान आ रहा है उसमें जो है वो भाजपा आगे बताई जा रही करीब 93 वोट से। क्या अपडेट, कुछ और लोगों से चर्चा कीजिए, जानिए कहां क्या है, खंगालिए। अपडेट ये है कि 9 से 10 सीटों पर शुरुआती जो तस्वीर है रुझान वो यहां पर सामने आ गए हैं। हम दिखाएंगे यहां पर कि आखिर क्या तस्वीर उभर रही है। देखिए आप, कर्नाटक में चिकोड़ी जो है जहां पर अन्ना साहेब शंकर जोले बीजेपी के लीड कर रहे हैं, मैसूर में यादवीर कृष्ण दत्ता चमाराजा वड़ियार लीड कर रहे हैं, दक्षिणा कन्नड़ में कैप्टन ब्रजेश चौथा, तुमकुर में वी सोमन्ना, जयपुर में मंजू शर्मा, राजस्थान में यहां पर मंजू शर्मा जयपुर राजस्थान में बीजेपी से लीड कर रही हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर में सुधीर गुप्ता बीजेपी से आगे बढ़े हैं लीड कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जुगल किशोर बीजेपी के, राजस्थान में जयपुर रूरल में राव राजेंद्र सिंह और कर्नाटका में दावानगरी में जीएस गायत्री यहां पर आगे बढ़ी है और कांग्रेस यहां पर राजस्थान में भरतपुर में संजना जाटव यहां पर देखिए कांग्रेस ने यहां पर राजस्थान के भरतपुर में यहां पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस यहां पर दिख रही है। यानी कि आप देख रहे हैं करीबन 10 से 11 सीटों पर शुरुआती जो तस्वीर है वो लाइव रिजल्ट हब में यहां पर सामने आ चुकी है जो इस बात को बता रही है। बिल्कुल, तो आप तकरीबन अनुपम लगभग 12 सीटों के आसपास का ये रुझान है, जिस पर 8 पर एनडीए लीड कर रही है और 4 से 5 पर जो है वो INDIA गठबंधन आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में लगभग 50-50 का डिफरेंस हम देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी रुझान है। 11 से 12 सीटों का हाल आपने बताया है और आप देखिए कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, क्या यूपी से भी किसी तरह की काउंटिंग या रुझान आपको मिल रहा है पोस्टल बैलेट का, क्योंकि कर्नाटक का आपने बताया, उत्तर प्रदेश है जो हिंदी बेल्ट है उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए या कितना समय लगेगा। 80 लोकसभा की सीटें हैं लेकिन अभी तक जो फिगर्स हमारे पास आई हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हो रही है और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश की तस्वीर आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तमाम जो राज्य है सर, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि करीबन 10 से 12-15 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भी लगातार रुझान आ रहे हैं, वाले कितनी देर में रुझान मिलेंगे? अभी विदिन 1 मिनट के अंदर आपको सारे रुझान आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके की हमने तैयारी की है कर्नाटका तमिलनाडु राजस्थान की शुरुआती रुझान वहां से मिले। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है वो बता दे, 15 सीटों का रुझान सामने आ गया है और एनडीए 15 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। आप देखिए तेजी से ये टैली बदल रही है, टैली बहुत तेजी से बदल रही है। 10 पर एनडीए और 5 पर इंडिया ब्लॉक इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। 15 सीट के शुरुआती रुझान आ गए हैं,
10 पर आप देखिए एनडीए और 5 पर इंडिया ब्लॉक इस वक्त आगे चल रहा है। ये पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग चल रही है उसमें जो शुरुआती रुझान आया है वो हम आपको बता रहे हैं, जिस पर एनडीए ने बढ़त बना ली। और इस बीच अपडेट यूपी से ही आया है कि एक मिनट के अंदर वहां की भी कुछ सीटों के रुझान मिल सकते हैं। चार और रिएक्शन यूपी के 4 सीट पर एनडीए आगे है, ये देखिए जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। यूपी के 6 सीट पर एनडीए आगे है, 6 सीट के रुझान सामने आए हैं। ओवरऑल 15 की बात हो रही है, फिलहाल ये बढ़ता जा रहा है तेजी से। अभी ओवरऑल देश में 23 सीटों पर एनडीए आगे है, 11 पर आई एनडीए गठबंधन। और यूपी से खास अपडेट कि 6 सीटें हैं, 6 सीटों के रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। इसी बीच कान में बताया गया कि धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश की जो 6 सीटें आप देख पा रहे हैं उसमें एक सीट आजमगढ़ की है, वहां पर रुझानों में धर्मेंद्र यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अभी तक 6 सीटों के रुझान आए हैं और एनडीए ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। पूरे देश की बात करें आप देखिए टैली बहुत तेजी से बदल रही है। एनडीए 21 सीटों पर आगे चल रही है, 11 सीटों पर इंडिया ब्लॉक भी, क्योंकि नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों के रुझान यहाँ पर अभी तक सामने आए हैं।